ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर बना है। रविवार को ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 दर्ज किया गया। पटना देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है। रविवार को पटना का AQI का लेवल 316 दर्ज किया गया। तो ये हालात आपको दिखा रहे हैं दो शहरों के, जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में सामने आए हैं। नंबर एक पर है ग्रेटर नोएडा का नाम, तो दूसरा नाम है पटना का। और अब आपको बताते हैं कि ग्रेटर नोएडा जो कल देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना दर्ज किया गया। रविवार को ग्रेटर नोएडा का AQI 346 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। ग्रेटर नोएडा में निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों की वजह से प्रदूषण इतना खराब स्तर पर पहुंच गया है। और अब देखिए बिहार की राजधानी पटना का हाल। पटना में कल एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। पटना के अलावा बिहार के चार और शहरों में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक देखा गया है, जिसमें सिवान में कल एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 रहा, मुजफ्फरपुर में 233, हाजीपुर में 232 और बेतिया में AQI 221 पर रहा। अब देखिए कि बिहार की राजधानी पटना में प्रदूषण स्तर बढ़ने की वजह आखिर क्या है और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या कहा है। प्रदूषण बढ़ने की वजह बताई जा रही है कि निर्माण कार्य में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का पालन नहीं हो रहा है। हाल के दिनों में पटना में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हवा की गति धीमी रहने से आबोहवा में भी पॉल्यूशन धूल देखने को मिल रहा है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से पटना दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है।